आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट सिक्स की। सबसे पहले नज़र डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नतीज का ऐलान कल। गिनती के मराकज के लिए 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम लागू। रियासत की बहाली तक कोई हुकूमत नहीं, सियासी जमातों को मुतहद होना चाहिए, इंजीनियर रशीद का बयान। बीजेपी 35 नशिस्तें हासिल करेगी, हम ख्याल जमातों। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 3 फेज में पोल हुआ है और 20 जिलों में ये काउंटिंग चलनी है। 20 जिलों में कुल मिलाकर के 25 हमारे प्रमाइसेस है जहाँ ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के प्रमाइसेस की इतलाह कंसर्न कैंडिडेट को दी गई है और कैंडिडेट से काउंटिंग एजेंट्स भी अपॉइंट हुए हैं। हर एक लोकेशन पर हमने मीडिया के लिए हेल्प डेस्क और जो मीडिया सेंटर्स है एस्टैब्लिश किया है, जहां उनको हर एक राउंड की, हर एक जो काउंटिंग हॉल है वहां से हर एक राउंड की ताज़ा जानकारी जो है उनके साथ साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। उनके लिए यहाँ चाय पानी और बाकी सुविधाएँ भी उपलब्ध की रही है, जैसे कि नेट की सुविधा, ताकि आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उनको वहाँ से फीड दे सके। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है स्ट्रॉन्ग रूम्स पर, वो ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी हमने रखी हुई थी जब से वहाँ ईवीएम से रखे हैं, और सीसीटीवी भी प्रमाइसेस में और अंदर से कवर करने के लिए रखी गई है। कैंडिडेट या उनके जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स है वो उसको देख सकते थे। कल काउंटिंग हॉल में भी सीसीटीवी रहेगी। सीसीटीवी लगाने का मेन मकसद डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि कोई अगर कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा देखा, तो वो जो है हमारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसको यूज़फुल आ सके। इसलिए वो सीसीटीवी हर एक स्ट्रॉन्ग रूम में और काउंटिंग हॉल में भी रहेगी। मीडिया के लिए नॉर्मली सुबह जब काउंटिंग शुरू होनी है उससे पहले जब हमारे पूरे काउंटिंग कर्मीज अपने टेबल पर बैठेंगे, फर्स्ट राउंड के ईवीएम्स टेबल पर लाई जाएगी, लेकिन उनकी काउंटिंग एक्चुअल शुरू होने के पहले मीडियाज़ को जो है बैचेस में ले लिया जाएगा, और आपके जो प्रोफेशनल कैमराज रहते हैं उनके ज़रिए से आप वहाँ स्टिल या वीडियोस वो उठा सकते हैं। एक बार आपके हॉल से बाहर आने के बाद ही एक्चुअल काउंटिंग शुरू होगी। एक्चुअल काउंटिंग के दरमियान कोई भी मीडिया कर्मी को काउंटिंग हॉल में जाने की इजाज़त नहीं। लंगेट के आज़ाद उम्मीदवार मीर जुनेद ने 8 अक्टूबर की गिनती में धोखाधड़ी के खदशात का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से गिनती रोकने और आज़ाद टीम तश्कील देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि VVPATs के 3 हिस्से बगैर CCTV कैमरों के हैं, जो धोखाधड़ी का सबूत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से उमले की मौतली की दरख्वास्त भी की है। जो ब्रेजन वायलेशन किया गया ITI हंदवाड़ा में, जहां पे हमारी काउंटिंग मशीन्स रखी गई, 3 दिन तक वहां पे सीसीटीवी कैमरास गायब थे। वहां पे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था फ्रंट साइड से, जो बाकी साइड से बिल्डिंग के जहां पे मशीन्स रखी गई हैं वहां पे कोई कैमरा नहीं था। जब हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यहाँ की लोकल अथॉरिटी से ये मामला उठाया, तो 3 दिन के बाद उन्होंने कैमरा लगाया वहां पे, मगर उन कैमराज का आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस किन के पास है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, वहां पे 7 मिनट 3 अक्टूबर को बिजली चली गई और पावर कट्स हुए, वो 7 मिनट में बिना कैमराज की मौजूदगी में क्या कुछ वहां पे हुआ, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। हमें उस चीज की ना फुटेज दी गई, जबकि हमने डिमांड करी कि हमें फुटेज दे दो इस चीज की, जबकि हमारे लोगों ने मांग करी वहां पे, जो लोकल एजेंट्स थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके जहनों में भी तशवीश पैदा हो गई कि 7 मिनट बिजली चली गई, कैमराज नहीं लगे हुए हैं, हो क्या रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उस पे सवालिया निशान होता है। वो 2 दिन बाद गिने जाएं या 5 दिन बाद गिने जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर
इसमें प्रॉपर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नतीजे का ऐलान कल होने जा रहा है और 90 रुकने असेंबली के लिए वोटों की गिनती के लिए तमाम हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज पर 3 दर्जे की हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और वहीं पर हंदवाड़ा और लंगेट हलकों में वोटों की गिनती की तैयारियों के हवाले से ARO हंदवाड़ा ने बताया कि इस अमल को हमवार बनाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। देखिए, हमारी जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग है वो हंदवाड़ा और लंगेट की, वो हमारे यहाँ ITI हंदवाड़ा में जो आसकोरा के पास है, तो वहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और काउंटिंग के जो इंतजाम हैं उसके लिए पोल स्टाफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेकंड रेंडमाइजेशन आज हो गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में DO के सामने और ऑब्जर्वर्स के सामने, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे। अभी ड्राई रन होगा वहाँ पे ताकि हमारा वो काउंटिंग स्टाफ ये देख सके कि हम कल सुबह कैसे काम करना है इमिजिएटली, और जो हमारा कल का काम होगा उसके लिए जो अरेंजमेंट्स ज़रूरी करने थे एज पर गाइडलाइंस वो हमने इन प्लेस हैं, सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और कल सुबह 7 बजे से 7:45 के करीब 6:30 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे ATBPS का पहला काम है वो पहुँचाना है। उसके बाद 8 बजे के करीब हमें जो पोस्टल बैलेट का है वो काम करना है, और पहले पोस्टल बैलेट चूँकि स्टार्ट करना है काउंटिंग, उसके बाद आधा घंटा वेट करके हमें मशीनों का करना है, वो हो गया 8:30। तो इस तरह से हमने जो एज पर गाइडलाइंस इंतजाम करने थे वो बराबर कर चुके हैं। बारे में मैं आपको बताऊं ये कि अभी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं पुलिस के साथ बैठ करके, लेकिन टेंटेटिवली ये मैं बताऊँ, चूँकि हमारा पुल भी अभी उसमें मरम्मत चल रही है, जो कुलनगांव वाला पुल है उसमें मरम्मत चल रही है, तो वहाँ से जो ट्रैफिक ऑलरेडी बंद है, तो यहाँ से बोधपोरा से और फिर कहाँ से गाड़ियाँ जाएगी वो हम देर तक आपको बता देंगे, ताकि जो लोग कल होंगे, जाहिर सी बात है ये जो जोन है तलरी ब्रिज से आगे की तरफ मागाम की तरफ जो रास्ता जाता है ये मोर और लेस जिसको हम कहते हैं कमोबेश ये नो ट्रैफिक जोन रहेगा, इसमें ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत कम रहेगी, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल गाड़ियाँ जो एम्बुलेंसेज वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ होंगी उनको आने जाने दिया जाएगा, बाकी जो लोग होंगे उसके लिए हम एडवाइजरी शाम तक दे देंगे, अभी 1-2 घंटे में दे देंगे कि वो कहाँ से किस तरफ से मूव करेंगे ताकि उनको आसानी हो जाए कल दिन भर। हमारा प्रोसेस होपफुली जल्दी खत्म हो, लेकिन तब भी 4-5। बांडीपुरा के DEO मंजूर अहमद कादरी ने 8 अक्टूबर की वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल होने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि गिनती के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमने स्ट्रॉन्ग रूम्स एस्टेब्लिश किए हैं डिग्री कॉलेज बांडीपोरा में, उसमें जो बांडीपोरा सोनावारी और गुरेज असेंबली सेगमेंट की जितनी भी पोल EVMs हैं और VVPATs हैं वो हमने वहां पर रखी हुई है। जो बांडीपोरा और सोनावारी असेंबली सेगमेंट्स की जो EVMs हैं वो पोल डे पर ही स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट की जो EVMs हैं वो इंटरमीडिएटी स्ट्रॉन्ग रूम में गुरेज में 1 दिन के लिए रखी गई थी, और जो 2 अक्टूबर का दिन था उस दिन वो EVMs को स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया। इसको ये पूरा वहाँ पर हमने फैसिलिटेट किया है कि वो उस CCTV फुटेज को पूरी तरह से, जो लाइव स्ट्रीमिंग रियल एक्चुअली है उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें वो, और उनके लिए हमने जो आउटर पेरीमीटर है उसमें हमने उनको ये भी इजाज़त दी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ रखेंगे ताकि जो लोग अंदर जा रहे हैं या जो बाहर आ रहे हैं उन पर वो देखेंगे कि कौन से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर 3-tier सिक्योरिटी में जो इनर पेरीमीटर है उसमें सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कल जो EVMs की शिफ्टिंग काउंटिंग हॉल्स में हो जाएगी वो भी उन सारे पैरामीटर्स के तहत ही होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई है। तो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग स्टाफ की हमने आज की है, और जो 3rd रैंडमाइजेशन है वो कल होगी वहीं पर, और उसी के मुताबिक जो काउंटिंग स्टाफ है उनको ऑब्जर्वर की मौजूदगी में वो काउंटिंग टेबल्स अलॉट किए जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग। बडगाम के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कल 5 असेंबली नशिस्तों की
वोटिंग की गिनती होनी है और इसी बीच सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि गिनती का अमल पुरमन तौर पर जारी रहे। इसी पर हमारे नुमाइंदा आपको जानकारी फराहम कर रहे हैं। कल 8 अक्टूबर है और ये वो दिन है जब जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो है असेंबली इंतखाबात किए गए और कल 8 अक्टूबर है यानी वो दिन जब उन वोटों की गिनती की जाएगी। हम इस वक्त जिला बाड़ग्राम के बॉयज हायर सेकेंडरी के बाहर मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कल काउंटिंग होगी। 5 असेंबली इंतखा जो 5 असेंबली निशस्त है बड़गाम के अंदर, चाहे चाड़ोरा हो, सार शरीफ हो, खान साहब हो, बीरवा हो या बड़गाम हो, यहाँ पर कल जो है वोटिंग की काउंटिंग होगी और इस पर यहाँ पर इसको जो है सेंटर बनाया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम की जब हम बात करें तो पहले से ही यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी कैमराज लगाए गए थे, सिक्योरिटी को जो है 24 घंटा अलर्ट रखा गया था। आप देख सकते हैं इस साइड में भी जो है सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। कल यहाँ पर काउंटिंग होगी, शुरुआत सुबह होगी, करीबन 7 से 8 बजे जो है काउंटिंग का काम शुरू किया जाएगा। 5 ऐसे हल्के इंतखाब बड़गाम के हैं जहां यहां पर वोटिंग होगी। इस जमन में पहले से ही डिप्टी कमिश्नर बड़गाम की तरफ से जो है मुकम्मल तैयारियां की गई है। जो कल यहां पर स्टाफ रहेगा, काउंटिंग स्टाफ रहेगा, उनको भी जो है यहां पर तैनात किया गया है। कल वो यहां पर आएंगे और काउंटिंग का काम शुरू किया, यानी हम एक ऐसे पूरी रात भर जो है यहाँ पर आज जो है सिक्योरिटी के पहले से ही सख्त इंतजाम थे मगर और भी सख्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा 25 तारीख के बाद जब यहाँ पर जो ये ईवीएम मशीन लाई गई उसके बाद हमने देखा कैमरे हो या सिक्योरिटी फोर्सेस है, हर एक नज़र जो है यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के अंदर रखी गई है ताकि किसी को कोई कंडेट हो या बाकी किसी को कोई शक व शुबा ना हो जाए। ताला किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वही अंदर जा सकता है जिसके पास पास होगा या जो जो कंडेट्स है उनके जो जो होते हैं एजेंट्स होते हैं उनको अलाउ किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तैयारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम की तरफ से की गई है कल काउंटिंग के हवाले से। 5 ऐसे निशस्त पे कल यहाँ पर काउंटिंग होगी बड़गाम में। सुबह से ही जो यहाँ पर चर्चे देखने को मिलेंगे, अब ये देखना है कि किसकी किस्मत कल चमकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कई ऐसे बड़े नेता जो है बड़गाम के अंदर 5 हल्के इंतकामों के अंदर जिनकी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। जहाँ हम बीरवा की बात करें, बड़गाम की बात करें, सार शरीफ की बात करें या खान साहब की बात करें, वही चाड़ोरा की बात करें, यानी आज पूरी रात जो है लीडर्स को नींद नहीं आएगी क्योंकि कल जब उनके किस्मत का फैसला होने वाला है। मैंने पहले भी कहा इस जमन में पहले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, किसी को भी यहाँ से रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में भी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेटरिंग ऑफिसर कंगन बिलाल मुख्ता ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सलीम वानी से बात करते हुए कहा कि सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि वोट शुमारी का अमल खुश असलूबी और पुरमन तरीके से मुनक्किद हो। यहाँ पे दोनों एसीज़ का जो हमारा पैर काउंटिंग हॉल है, हम 18 डेज गांदरबल की बात करें उनका काउंटिंग सेंटर भी यहीं पे है और 17 डेज कंगन का भी यहीं पे है। जितनी भी अरेंजमेंट्स करने थे आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी अरेंजमेंट हैज़ बीन पुट इन प्लेस। अंदर काउंटिंग सेंटर्स में सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है, वेब कैमराज की सर्वेलेंस में है, सारा कुछ रखा गया है तब से जब से वोटिंग हुई थी यहाँ पे 25th को। और जो जितना भी हमने काउंटिंग अमला लगाना था, जो कल जैसे अरेवल उनका जो है 7 AM के आसपास है और उनको ब्रीफिंग वगैरह करके 7:30 तक जब फ्री हो जाए तो एक्चुअल काउंटिंग जो कल हमारे यहाँ पे 8 बजे शुरू हो जाएगी। मिनट्स होते हैं, देखे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी देखा है कि जितने भी यहाँ पे कल चाहे एम्प्लॉयज होंगे या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनके लिए जो है पानी का, रिफ्रेशमेंट का, चाय वगैरह, चाय, मीडिया पर्सनल्स होंगे। सिक्योरिटी का भी आपने देखा है कि 3 टायर सिक्योरिटी लगी हुई है और बाकी बिजली का भी हमने डायरेक्शन दे दी हुई है एक्सएन पीडीडी को कि यहाँ पे जो है 24x7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए। और बाकी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे सीसीटीवीज की, इस बार आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उनको हमने बाहर फ्रॉम द डेट ऑफ पोल, जिस दिन पोलिंग हुई थी,
25 को, तब से वो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस कर रहे हैं। उनको हमने दो बड़े LEDs दिए हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये मल्टीपल लेवल पे जो है मॉनिटर हो रहा है और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से स्मूथली हमने इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस को यहाँ पे किया था इस डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि काउंटिंग भी काफी स्मूथली यहाँ पे होगी। इधर जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से काउंटिंग सेंटर डोडा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अमन को बरकरार रखने के लिए कल काउंटिंग सेंटर के बाहर सेक्शन 163 के तहत अहकाम जारी किए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिस कॉम्प्लेक्स में काउंटिंग हॉल के 200 मीटर के दायरे में आवाम का दाखिला नहीं होगा और इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गद्दू। यहाँ पे दोनों ACs का जो हमारा पे काउंटिंग हॉल है, हम स्टार्ट होगी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं उसका भी आज ही सब डिप्टी कमिश्नर इस वक्त हम असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट जहां पे अनाउंस किया जाएगा काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर है, यानी कि DC ऑफिस के बाहर है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और डोडा शहर के अलग अलग एरियाज़ में अगर आप जाएंगे, अलग अलग नाकाज पे आपको इसी तरह सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कुछ ही घंटे अब रिज़ल्ट को बचे हैं और DC ऑफिस के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं चारों तरफ से नफरी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। और कल जब EVM मशीन्स को खोला जाएगा देखना होगा कि किसके सर ये ताज लगता है। बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये देख सकते हैं आपकी जहाँ पे स्पीकर्स लगाए गए हैं, लोग भी सुन सकते हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ज़्यादा वोट पड़े हैं और कौन शख्स इस वक्त लीड कर रहा है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े कदावर नेता इस मैदान में उतरे हैं और कल देखना होगा कि किसके हक में फैसला जाता है। और 163 जो दफ़ा है वो लगा दिया गया है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जितने भी वाइन शॉप्स ज़िला डोडा के अंदर हैं या ज़िला डोडा के इर्द गिर्द में हैं वो कल बंद रहेंगी। और डिप्टी कमिश्नर डोडा SSP डोडा सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और कल गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप देखेंगे लाइव विजुअल्स, लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे और किस तरह से यहाँ पे जब अनाउंसमेंट होगी हम पूरी कोशिश करेंगे किस इलाके से कितने ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। साथ साथ में ये भी देखना होगा कि कौन शख्स इस वक्त लीड कर रहा है, तो कोशिश हम करेंगे कल पूरे दिन आपके साथ जुड़े रहने की। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। जनूबी कश्मीर के महरीपुरा अकनगाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि सड़क के दोनों इतराफ बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी नसब नहीं की गई है जो कि लोगों की ज़रूरत थी। उन्होंने अब इंतज़ामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोगों के मुश्किलात दूर करने की अपील की है। गुलिस्तान शुक्रगुजार तुम वन कि तुम्हें वन पानी प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम इत पा तुम वन सठा शुक्रगुजार अब्लम जनाब मोहरम गवर्नमेंट शुक्रगुजार कि अस आया यप नेशनल हाईवे बनाया यो तो अव आराम मगर इस कम सो थो पेंडिंग अगर यो गो दोब यप पेंडिंग रात चल जना मोनि गोकल पदमी सीधे बनमि साइड गाव बे ओठन नफर खाड़ी बेहद लाइट सिस्टम तुम वो यो बन कत पो लाइट करान अच्छा तरह फिक्र लाइट कौत जमे मस्जिद तुम बराबर यह 4-way रोड यमो बन पड़े पोल 10-15 पेंडिंग वो करो इन सुबह पे ओतर पे फोन जाहिद सोबस कोर फोन बेचमन हैदर सोब कुछ इंचार्ज तेज फोन बेचमन मैडम आ तमिस फोन तिमो तुल सुबह फोन पद ना दिमो रेस्पॉन्डा अब गए यप रिपेरिंग गपर दब वब खास तौर पर डिमांड यह अगर यमो पोल त्रा अकिन गाम पे 4-way बराबर जामे मस्जिद तरह अगर
ओतः पोल इमो त्रह पात्र त्रह इमो पोल यहाँ क्या इसमें भी पेंडिंग डिमांड ये है सुनो यात्री करें सही वायरिंग यात्री त्रह इम पोल आंध ऐसे करें इम आजाद आजाद में आजाद मैं अरबी नहीं देना अगर इस सोच कुन गो बनो यह रोड यह सान खुद फायद मगर यह सान खुद फायद कमो बनो यह रोड तुम दिए नजर युक तुम हे तुम पान तुम वह यप लाइट लागि यमो यत लाइट तथा लाज कुरत यही जरूरत तथा लाज तुम वो करो क्या वो इन वन कर सार पर्दी मानने। आज करना के तंगदार इलाके में सैकड़ों अफराद ने यतीन सिंह नन सरस्वती के नबी करीम के खिलाफ मुबैना तोहीन आमेज बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने इस्लाम के हक में नारे लगाए और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत मुफ्ती ताहिर निकाश और मुफ्ती अतर रहमान ने की, जिन्होंने सरस्वती के बयानात की मजम्मत की और इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अशफाक साहब, आज यहाँ तमाम बाशिंदगान तहसील करना सिर्फ इसलिए जमा हुए थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर जिस शख्स ने गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं उसी के लिए आज हम यहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर जमा हुए थे अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए। इसके अलावा हमारी कोई और गर्ज नहीं थी, हम सिर्फ अपने मुल्क के हुकाम बाला तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे और चाहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक यानी मुसलमानों के नज़दीक अपनी जान अपनी माल और अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारे हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ इसीलिए हमारा यहाँ आज जमा हुआ होना था। हमने एक मेमोरेंडम अपने एसडीएम साहब के दफ्तर के अंदर जमा करवाया है और इसी नीयत से हम यहाँ जमा हुए थे। बाकी हमारा और कोई भी एहतजाज का मकसद नहीं है, सिर्फ यही था कि जिस शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ कानूनी दायरे के अंदर कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी भी शख्स को ऐसी हिम्मत ना हो। अगर कानून के कटेरे में ऐसे अफराद को खड़ा ना किया गया तो बहुत सारे ऐसे अफराद किसी भी। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।